नमस्कार, आप सबका स्वागत है। जम्मू के पुलवामा में सीआरपीएफ कैंप में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हुए राजस्थान के चूरू जिले के 26 वर्षीय राजेंद्र नैन की राजकीय सम्मान से अंत्येष्टि की गई। सेना के जवानों ने 21 राउंड गोलियां चलाकर शहीद को सलामी दी। 2.5 वर्षीय बेटी मिस्टी ने शहीद पिता की चिता को मुखाग्नि दी। शनिवार को कश्मीर के पुलवामा क्षेत्र में शहीद हुए राजेंद्र नैन की पार्थिव देह मंगलवार की सुबह 6 बजे रतनगढ़ पुलिस थाने पहुंची, जहां से गौरीसर ले जाया गया। शहीद की अंतिम यात्रा सुबह 10 बजे घर से रवाना हुई, जो दाउदसर रोड पर स्थित श्मशान घाट पहुंची। युवाओं ने हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, शहीद राजेंद्र नैन अमर रहे के नारे लगाए। साल के अंतिम दिन 31 दिसंबर की सुबह अपने दोस्तों को शहीद राजेंद्र नैन द्वारा भेजा गया व्हाट्सएप संदेश भी अपने आप में एक मिसाइल बन गया। दोस्तों को भेजे गए संदेश में उसने लिखा कि हाथ तो हम जोड़ते हैं सिर्फ भारत माता के सामने, वरना हम तो भारतीय सैनिक हैं, जो मौत को भी घुंघरू पहनाकर मुजरा करवाते हैं। जय हिंद। राजेंद्र नैन के बचपन के साथियों ने बताया कि उसके मन में देश सेवा की भावना थी। वह चाहता था कि वह देश की रक्षा के लिए सेना में शामिल हो। जब 8वीं में था तभी मन में ठान लिया था कि नौकरी तो करूंगा, केवल भारतीय सेना की। वह चंद्रशेखर आजाद व भगत सिंह को अपना आदर्श मानता था। जब कोई उससे धर्म व जाति के बारे में पूछते तो वे कहता था कि देश सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। गांव के युवाओं से सेना की तैयारी के लिए जब भी वह छुट्टी आता आग्रह करता ही रहता था। उसका सपना था कि क्षेत्र के युवाओं को सेना में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी निभानी चाहिए। दाउदसर रोड पर जब शहीद राजेंद्र नैन का अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो सड़क पर 1 घंटे के लिए ट्रैफिक रुक गया। अंतिम संस्कार के समय यात्रियों से भरी 2 बसें आई। चालकों ने गाड़ियों को साइड में लगा लिया और बस में सवार सभी यात्रियों ने सड़क के किनारे खड़े होकर शहीद राजेंद्र नैन को नमन किया। करीब 1 घंटे तक पुरुष व महिलाएं सड़क के किनारे खड़े रहे तथा अंतिम संस्कार कार्यक्रम को देखा।